हेलो लॉलर्स, वेलकम टू विद। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? वी नीड टू एक्सेप्ट जैसे हम हैं, जैसे हम हैं हमें अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा कोई और है हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये तो जनरल प्रिंसिपल है ना, हमारे जनरल लाइफ में ये एक्सेप्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब देखते हैं इसे, इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्सेप्टेंस है क्या? तो चलो ये डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस को। एक्सेप्टेंस क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। वन पर्सन प्रपोज अदर, एंड जब देन जब वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तब वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। नाउ वो क्या है एक्सेप्टेंस है कि वन पर्सन ऑफर समथिंग एंड सेकंड पर्सन एक्सेप्टेड दैट थिंग, दैट इज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट डीम्ड टू बी एंटर्ड इनटू द पार्टीज बाय इनटू बाय द पार्टीज डिस्कस। ये क्या यूपीएससी का क्वेश्चन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कब माना जाता है कि वो पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुकी हैं, इसको डिस्कस करना है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। एंड इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से वो पार्टीज जो है एंटर कर सकती है, कब माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है, कब एंटर हो चुके हैं। सो दैट्स द थिंग, सारा प्रोसेस उसमें डिस्कस करना है। तो इसी प्रोसेस को ध्यान में रखिए कि हमारा ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, आगे की स्लाइड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन प्रपोज अदर, और सेकेंड वाला जो पर्सन है वो अपनी एक्सेप्टेंस को बताएगा कैसे, कम्युनिकेट कैसे करेगा। सो उसके कुछ मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है? एक्सेप्टेंस बाय एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कैसे होती है? जैसे हम लिख कर बताते हैं कि येस वी एग्री, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स में बताते हैं, या फिर हम कंडक्ट से दिखा देते हैं, कंडक्ट से दिखाते हैं कि हम अब एक्सेप्ट करते हैं ये चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज है, सात फेरे हो जाते हैं, तब दैट्स बाय कंडक्ट हम ये कर देते हैं कि जो प्रोमिसेज हैं एक दूसरे के उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का फर्स्ट मीडियम है। आगे देखते हैं नॉलेज ऑफ ऑफर। अब जो एक्सेप्टेंस करने के लिए हमें क्या है, नॉलेज ऑफ ऑफर होना जरूरी है। हमें पता ही नहीं ऑफर है क्या, तो हम क्या करते हैं उसे एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? एक केस है लाल मान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913 का केस है, पुराना केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक प्रपोजल एक्सेप्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसको पता ही नहीं उस चीज के बारे में। इसमें एक केस था, दिस केस में इसमें शुक्ला जी का क्या हुआ था कि उनका बेटा घूम गया था। ठीक है, रामलाल शुक्ला उनके क्या थे, नौकर से सर्वेंट थे, और गौरी दत्त क्या थे, गौरी दत्त ऑनर थे। इसमें क्या था कि जो गौरी दत्त था उनका एक सन था वो घूम गया था, ही वॉज मिसिंग। तो रामलाल शुक्ला ने एज अ लाइक एज अ सर्वेंट उसे भेजा गया कि आप मेरे सन को ढूंढ कर लाइए। और जब वो चला गया था, शुक्ला जी चले गए थे वहाँ पे ढूंढने के लिए, तब क्या हुआ, गौरी दत्त ने पीछे से अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी मेरे सन को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं इतनी प्राइज मनी दूंगा। ओके फाइन। अब जब रामलाल शुक्ला है, शुक्ला जी हैं, तो वो क्या हुआ उसको, उनको उनका भाई बेटा मिल गया। अब वो क्या करते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं प्राइस को, प्राइस मनी को, कि हाँ मैं क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक्सेप्ट कैसे, वो तो ऑफर गौरी दत्त ने किया था ना, तो एक्सेप्ट तो किया ही नहीं शुक्ला जी ने, तो ये ऑफर को माना कैसे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि नॉलेज ऑफ ऑफर होना जरूरी है अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है तो। ओके फाइन। थर्ड क्या है, मोटिव बिहाइंड एक्सेप्टेंस। आपके एक्सेप्टेंस के पीछे मोटिव क्या है? इन केस समवन हर्ड द ऑफर बट फॉरगेट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इज एट द सेम पोजिशन एज पर्सन कुड नॉट हेयर। इसमें क्या बता रहा है कि जो मोटिव बिहाइंड एक्सेप्टेंस था, फॉर एग्जाम्पल सेल है, 3 दिन की सेल लगे फ्लिपकार्ट अमेजोन या एक कैसी साइट पर सेल लगे, आपको पता ही नहीं वो सेल को कब आप क्लेम कर सकते, कितने टाइम से कितने टाइम तक लग सकती है, तब तक आप उसके बाद अगर क्लेम करेंगे तो आपको जो मोटिव था उस सेल को देने का वो तो हुआ ही नहीं, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो फुलफिल नहीं हुआ ना। तो दैट्स द सेम थिंग, ये अगर एक पर्सन है जिसने ऑफर को सुना है लेकिन ऑफर को एक्सेप्ट करने के टाइम के बारे में भूल गया है, तो वो पर्सन सेम पोजीशन पे है जैसे एक पर्सन ने सुना ही नहीं। ठीक है, कहते हैं ना आधा काम कर दिया आधा नहीं किया, क्या फायदा, मत ही करते। तो वो बात वही है कि किया कराया भी पानी फेर गया उस पर, तो वो बात है इसमें। ओके फाइन, मोटिव बिहाइंड एक्सेप्टेंस हमने पढ़ लिया। आगे एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। कंडक्ट से कैसे एक्सेप्टेंस होता है? आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है,
बोलने की जगह मैं ऐसे कर दूँ कि मुझे पानी पीना है, ठीक है, या फिर आई वॉन्ट, मैं उसे लिख कर दे देती हूँ कि हाँ मुझे आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस बाय कंडा, क्या है मतलब, फॉर एग्जाम्पल येस आई एग्री, कहते हैं ना लोन के लिए कि हाँ मैं आपको लोन दे देता हूँ, तो वो क्या है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है कि हाँ मैं आपके जो भी शर्तें वगैरह है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, वो आप कंडक्ट से मानते हो। आजकल वो क्लिकबेट आता है, ठीक है, डिक्लेरेशन आती है, तो उसको मानते हैं, ठीक है, बाय कंडक्ट। नेक्स्ट, ऑल केसेस ऑफ जर्नल ऑफर्स विच आर अ काइंड ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सम एक्ट इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस टू पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो एक प्रॉमिस टू पे होता है ना, उसके लिए कोई एक्ट को डिमांड किया जाता है इसमें, ठीक है, तो कोई कंडक्ट से आपको बताना पड़ेगा, जैसे आपको लोन चाहिए तो आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, सो दैट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, कुछ केसेस दे रखे हैं, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट का ही एक केस है, कारेल वर्सेज कार्बोलिक स्नोबॉल कंपनी 1893 का केस है। द कोर्ट ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट्स, ऑफर It can be made to the world at large and contract is made with the persons who come forward and accept the offer. In such a case, a communication of acceptance is not necessary. इसमें क्या होता है, एक केस है, इसमें हुआ कि एक ऑफर बना दिया गया, पूरा वर्ल्ड एट लार्ज को सबके लिए पब्लिक ऑफर दिया गया, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा जब वो पर्सन सामने आएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा, और इसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं होता। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज द सफिशियंट एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन, अगर आप उसकी शर्त पूरी कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कहती है आपने 12th पास कर ली, आपको मैं पैसा दूंगा, तो वो अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो कि आप 21 साल के हो, आपने पास कर दी, तो ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दी तो कम्युनिकेशन का कोई नीड नहीं है, फाइन, ओके। जर्नल ऑफर इज कंटिन्यूइंग इन नेचर, जर्नल ऑफर कंटिन्यूइंग नेचर होता है, चलता रहता है, एंड इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस टू द नंबर ऑफ पर्सन अंटिल इट इज रिस्ट्रैक्ट, तब तक उसका ओपन होता है सभी के लिए जब तक उसे रिस्ट्रैक्ट नहीं कर लिया जाता। नेक्स्ट, फोर्थ पढ़ते पॉइंट, कम्युनिकेशन टू ऑफर हिमसेल्फ, कम्युनिकेशन टू ऑफर हिमसेल्फ, तो अगर अब पहले केस देखते हैं, फेल्टहाउस वर्सेस बिनरी, इसमें क्या है 1863 का केस है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, ओनली कम्युनिकेशन टू एनी अदर पर्सन इज नॉट कम्युनिकेशन इन द आइज ऑफ लॉ। ऑफर मैंने आपको दिया, आप किसी और के पास चले गए कि हाँ मुझे ये ऑफर अच्छा लगा, हाँ मेरे को तो नहीं पता ना, मेरे पास तो एक्सेप्टेंस आई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर ऑफर मैंने दिया है तो आपको एक्सेप्ट भी मुझसे ही करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन किसी और पर्सन से आपका एक्सेप्टेंस भी नहीं कर सकते। सो अगर आप किसी और से कम्युनिकेशन करते हो उस चीज़ का, तो वो कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। एंड एक्सेप्टेंस कांट इम्पोज अपॉन द ऑफरी द बर्डन ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ड्यूटी टू रिप्लाई, एक ऑफर ये कोई बर्डन नहीं डालता कि हाँ आपको अगर ऑफर नहीं चाहिए तो उसके लिए भी आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, साइलेंस कांट बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर मैं चुप रहती हूँ, आपने मेरे को घर दिखाया अपना कि हाँ जी मैम ये घर है आप इसको खरीद लीजिए, ठीक है, मैं चुप रही, मैंने कहा कि मैंने ना हाँ कहा ना कहा, तो मेरी चुप्पी जो है वो हाँ नहीं मानी जाएगी, चुप्पी हाँ नहीं होती, दैट्स द थिंग, फाइन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ, एक्सेप्टर कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। ओवेल वर्सेस ली 1908 का केस है, कम्युनिकेशन मस्ट बी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन ओनली, जो कम्युनिकेशन है ना सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही रिसीव्ड होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, उसी को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा जिसके पास अथॉरिटी है एक्सेप्ट करने की। क्लियर, आपने पूछा, फॉर एग्जांपल आप मेरे घर पर आए कि मैं रह लूँ आपके घर पे, मेरी फ्रेंड है कोई, मान लो वो कहता है कि कहती है कि मैं घर पे आऊँगी, ठीक है, आपके घर पे मैं 2 दिन के लिए स्टे कर सकती हूँ, तो भाई मैं तो अथॉराइज पर्सन हुई नहीं, मेरे पेरेंट्स से पूछो जिनका घर है। सो कम्युनिकेशन क्या है, अथॉरिटी, जिसके पास पर्सन की अथॉरिटी है उसी को ही करना पड़ेगा, आपको उसी के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मेरे से काम करके बात नहीं होगी। कम्युनिकेशन फ्रॉम द अनऑथोराइज पर्सन इज नो कम्युनिकेशन इन द आइज ऑफ लॉ, सेम थिंग बता दिया आपको इजी लैंग्वेज में, फाइन, क्लियर, नोट्स बन रहे हैं ना साथ में। When communication not as necessary, communication की जब जरूरत ही नहीं होती, ऐसा कब हो सकता है। अनाउंसमेंट टू पे अ रिवॉर्ड फॉर डिस्कवरिंग अ लॉस्ट थिंग इज देन ऑफर टू दिस फ्रेंड, अब इस पे क्या है, कम्युनिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है,
लॉटरी है, लॉटरी की अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने लॉटरी की टिकट खरीदी तो वो आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ना, बाय कंडक्ट एक्सेप्ट कर लिया। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई गुम कोई चीज़ गुमशुदा है या फिर कोई चीज़ गुम गई है तो उसका एक ऑफर बनाया गया और उसके लिए पे रिवॉर्ड किया गया, तो ये जो है वो ऑफर के लिए कॉम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं है। फाइन, अप्लाइज ओनली टू केसेज ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, सिर्फ एक तरफा जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हीं केसेस पे ये होता है। फाइन, सो यूपीएससी का क्वेश्चन एक और आ गया, बहुत घुमा घुमा कर यूपीएससी क्वेश्चन देता है देखिए, लेकिन जो कंसेप्ट है वो हमारा सेम ही रहता है। अगर हम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना तो कोई भी एग्जाम के सॉल्व सकते हैं। फाइन, ये तो सबको पता है यूपीएससी एग्जाम्स का राजा है, अगर आपको बना सकते हैं देश का राजा। वट आर द डिफिकल्टीज दैट राइज इन द एप्लीकेशन ऑफ द रूल दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। इसमें क्या बताया गया है कि अब रूल ऑफ एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, और ऐसा क्या इस ऑफर में टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, ऑफर में क्या कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए, लिखा होना जरूरी है कि आप जो एक्सेप्टेंस हो मस्ट भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इससे एक कहानी आ गई, हम जो पढ़ते थे ना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब उसमें एक बात बताई गई थी कि जो एक मूवी है आई थिंक ओ माई गॉड मूवी है, उसमें एक लड़की कहती है कि आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू। सो वो जो एक्सेप्टेंस होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो कंफ्यूज करके चली जाती है कि हमको पसंद तो करती हूँ लेकिन प्यार नहीं करती, ये क्या बात होती है। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, हाँ तो हाँ ना तो ना। फाइन, ओके, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन। अब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको कह रहा है वो आप मेल से भेजो, आप बोल भेज रहे हो कबूतर से, तो गलत है ना। तो जिस टाइप का मोड ऑफ कम्युनिकेशन उसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही की जानी चाहिए। सेक्शन 7 है आपके पास बेयर एक्ट होके, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, इसको पढ़िए फटाफट, पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट कैसे होनी चाहिए, जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको अगर मेल कहा गया कि आपका आंसर मेल में आना चाहिए, एक्सेप्टेंस मेल में एक्सेप्ट की जाएगी, तब आपको मेल से ही करना है, आप फैक्स नहीं भेज सकते, आप लेटर नहीं भेज सकते, आप कबूतर नहीं भेज सकते, आप टेलीफोन नहीं कर सकते, सो दैट्स ऑल थिंग, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या बताया, इफेक्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से ही करना है आपको, दैट्स द थिंग। तो इसका आगे है, ओके, थर्ड पॉइंट, व्हेन नो मैटर प्रिस्क्राइब्ड, अब आपको बताया नहीं गया, मुझे तो बताया ही नहीं कैसे करना है तो मैं कैसे करूँ, तो रीजनेबल, यार रीजनेबल मैनर का तो हमें पता है, ये इतने समझदार तो है हमारे पास, इतने मैनर तो है, ये यूजफुल मैनर जो होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑरली आपके पास ऑफर आया तो आप ऑरली उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके पास लेटर में ऑफर आया तो आप लेटर से एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट्स अ रीजनेबल मैन का जो भी है साउंड माइंड का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो आप चूज कर सकते हो। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब बना दिया गया है, पोस्टल कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, सेक्शन नंबर 4 के बारे में इसमें बताया गया है, ओके, तो सेक्शन 4 भी आप फटाफट खोलिए, बाकी हम बेयर एक्ट अभी देखेंगे। नेक्स्ट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉज एंड इंडियन लॉज, ठीक है, इंग्लैंड में लॉ कैसे चलता है और इंडिया में लॉ कैसे चलता है। अब इसमें एक्सेप्टेंस कैसे किया जाता है, जो इंग्लैंड है ना उसमें अगर आपने लेटर को पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया गया है तो उसे आप वापस नहीं कर सकते, इरिवोकेबल है वो, ठीक है, आप उसे वापस ना नहीं कर सकते, हाँ करके ना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेंड चला था ना बीच में से, ऐसे हेलो करते हैं फिर वो हाथ पकड़ते पकड़ने से पहले वो पीछे खींच लेता है लाइक दिस, या वो दूसरा जैसे हाथ उठाने लगा वो पीछे खींच लिया, तो दैट इज द रिवोकेबल, रिवोकेशन होता है एक्सेप्टेंस का, रिवोकेशन वो आगे हम पढ़ेंगे, बट दैट्स द थिंग। द एक्सेप्टर बिकम्स, अब इंडिया में क्या होता है, एक्सेप्टर्स बिकम बाउंड ओनली व्हेन हिज एक्सेप्टेंस कम्स इन द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। अब इसमें क्या है, इंग्लैंड में क्या होता है, आपने अगर ऑफर आया आपके पास, आपने एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भेज दी तो अब ये क्या है, उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया तो हमारा अनोखा है देश, हमारा महान, तो इसमें क्या है कि अगर एक्सेप्टेंस क्या ऑफर आ गया आपके पास, आपने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया लेकिन ऑफर आपके पास जो ऑफर प्रपोजर है उसके पास पहुंचा नहीं, तब भी आप पीछे खींच सकते हैं, अपने एक्सेप्टेंस को नो में कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सेप्टेंस ऑफर के पास पहुंच गई, अगर आपने हाथ मिला लिया, तब आप उसे रिवोक नहीं कर सकते, उससे पहले कर सकते हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल यूपीआई, यूपीआई पेमेंट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, उसे खींच सकते हैं, लेकिन जब हो गया तब नहीं कर सकते, या बीच में कैंसिल कर सकते हैं, है ना, क्लियर। फाइन,
नेक्स्ट काउंटर प्रपोजल्स क्या होता है? अभी काउंटर प्रपोजल्स क्या, प्रपोजल किया एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, ठीक है, इसी लड़की ने किसी और को जाके प्रपोज कर दिया, ये क्या हो गया? काउंटर प्रपोजल। ट्रायंगल, ट्रायल लव सीखा ना, उसमें क्या होता है ट्रायंगल लव स्टोरी, तो उसमें क्या होता है कि एक लड़का और दो लड़कियां उसके पीछे थे, ये इसको पसंद करता है, ये उसको पसंद करता है, दैट इज अ काउंटर प्रपोजल्स। एन एक्सेप्टेंस विद अ वेरिएशन इज नो एक्सेप्टेंस। मैंने कहा मेरे को 10 किलो सोना चाहिए, आप कह रहे हो 15 किलो ले लो, मैं एक्सेप्ट करूंगी नहीं, एक्सेप्टेंस होएगा ही नहीं, ठीक है, हो गया एक्सेप्टेंस विद अ वेरिएशन। उसमें अगर मैंने आपको ऑफर कुछ और किया, आप कुछ और एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, इट इज सिंपली अ काउंटर ऑफर। ये सिंपली क्या है? काउंटर ऑफर है which must be by the original before contract is made. Sorry for the disturbance. Offer and acceptance must be absolute with three components. Offer acceptance है तो उसको three components में हमें absolute होगा, तभी certainty होगा। मैं भी 10 किलो की बात कर रही हूँ, आप भी 10 किलो की बात कर रही है, certain है, ऐसा नहीं कि कुछ sugar कुछ मिल्क, सपोज क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो सर्टेनिटी होनी चाहिए उसकी, सर्टेन होना चाहिए वो कमिटमेंट। मैं कह रही हूँ मेरे को संडे को प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको संडे को ही डिलीवर करना पड़ेगा, अगर मंडे को होता है तो दैट्स नॉट एक्सपेक्टेंस, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी एक एब्सोल्यूट होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। तो ये थ्री कॉम्पोनेंट्स अगर होंगे तो हमारा एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ऑफर माना जाएगा, फाइन। लीगल टर्म्स एड इन्फिनिटम एंडलेसली, इन्फिनेटिव आ गया तो बीच में उसमें, तो एंडलेसली हमें पता ही है उसका। कॉन्शियस क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड, कॉन्शियस, कॉन्शियस मीटिंग ऑफ द माइंड, ठीक है, ये हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। नेक्स्ट लैप्स या रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है? दिस सेम थिंग, हाथ मिलाते वक्त पीछे खींच लो, दैट्स अ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ऑफर किया पीछे खींच लिया, सो दैट्स अ रिवोकेशन या फिर लैप्स ऑफ प्रपोजल। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ प्रपोजल। रिवोकेशन के बारे में बताया गया कि आप फर्स्ट, आप जो ना है मतलब ऑफर, दोबारा आप पीछे से कैसे खींच सकते हो, उसे कैंसिल कैसे कर सकते हो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पोपट लाल की याद आ गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नाउ फर्स्ट पढ़ते हैं नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन क्या है कि विड्रॉल है बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। आपका जो विड्रॉल है, वापस खींचना है, वो एक फिक्स पीरियड की एक्सपायरी से पहले आपको करना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंडर ही आपको जो है उसको प्रपोजल को करना है, ठीक है। सेक्शन 4 और 5 हम सेक्शन सारे इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में। नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारा मेथड रिवोकेशन का, कि हम बाय टाइम लैप्स। मैंने कहा संडे को प्रोडक्ट डिलीवर करना, आपने कर दिया मंडे को, या आप एक्सेप्टेंस मैंने संडे को कहा कि संडे को करना, लेकिन आपने किया ही नहीं, तो दैट्स अ लैप्स ऑफ टाइम। टाइम की वजह से क्या हुआ? रिवोकेशन हो गया। बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्री सीडेड, जो कंडीशन मैंने डाली कि आपको 12th पास होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल फॉर UPSC या कोई भी एग्जाम देना है, तो आपका लॉ कम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है, जुडिशरी के लिए, और या फिर आपको एडवोकेट बनना है तो उसके लिए आपके लॉ की डिग्री कम्प्लीट होनी चाहिए, मे बी 5 और 3 ईयर। तो इसमें क्या है कि वो अपनी कंडीशन ही नहीं पूरा किया, आपका एग्जाम ही नहीं हुआ, आपकी बैक लग रखी है, हाँ, या कुछ और हो रखा है, आपने एग्जाम ही नहीं दिए, और 12th के बाद सीधा चले गए एडवोकेट करने। तो ये क्या है? फेलियर ऑफ कंडीशन एक्सेप्टेंस, ठीक है, नहीं होगा इससे, रिवोकेशन होगा इससे। बाय डेथ इनसैनिटी ऑफ द ऑफर, मैंने आपको कुछ ऑफर किया फिर मैं पागल हो गई, या फिर किसी की डेथ हो गई, तो वो क्या है? रिवोकेशन ऑफ, मेथड ऑफ रिवोकेशन है, ठीक है, ऑफर को वापस जाने का, और एक्सेप्टेंस का भी यही रिवोकेशन होता है। अब UPSC का क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, एंड ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के बारे में पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, बताया था, अगर याद है तो कीजिए कमेंट ऑन रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बारे में, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर मेड और टू बी नोटिफाइड टू द पर्सन हु मेड दिस ऑफर as the ordinary rule of law, ordinary rule of law क्या कहता है? An acceptance of an offer made ought to be notified to the person who made the offer. अगर कोई
जो पर्सन है जिसने ऑफर किया है उसी को उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, नोटिफिकेशन जाना चाहिए। डिस्कस दिस रूल एंड एक्सेप्शन देयर टू इफ एनी। अगर कोई इस रूल के बारे में, ठीक है रूल तो है ही ना, हमने पढ़ा है इसके बारे में किड्स, अभी पढ़ा था, ठीक है एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर हिमसेल्फ पढ़ा था ना, तो वही चीज़ है। इस रूल को डिस्कस करना है डिटेल में और उसके कोई एक्सेप्शन होने चाहिए। एक्सेप्शन जो पढ़ा था ना कि हमें एक लॉटरी टाइप की है, या फिर वो शुक्ला जी वाला केस पढ़ा था तो उसमें था, तो वो उसके एक्सेप्शन से हो गए कि कम्युनिकेशन की नो नीड ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन इट इज मेड टू द पब्लिक जर्नल पब्लिक। सो ये क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। नाउ केस क्लोज है, ये दोनों केस क्लोज में पहले ही लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप पोस्ट कीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही लिख चुके होंगे, आई होप सो, ठीक है समझा भी चुकी हूँ मैं। ओके दीज आर ऑल्सो सम न्यू पीसेस, ठीक है फाइन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट में मैं आई डोंट बिलीव इन स्क्रीनशॉट्स, तो इसके नोट्स बनाइए बेस्ट है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। इफ यू कैन स्टडी सिंसियरली इवन व्हेन यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और इतनी सिंसियरली पढ़ रहे हैं ना, सक्सेस इज योर्स, आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ आप पता है ना कि आपके अपना दुश्मन सिर्फ आप हैं और कोई आपका दुश्मन नहीं। चलो ठीक है हो गया अपना, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं और यूपीएससी का फेवरेट है ये, जुडिशरी का भी फेवरेट है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जुडिशरी के भी क्वेश्चन आएंगे। ओके फाइन, और अपने से भी सेल्फ स्टडी कीजिए, सिर्फ वीडियोज पर रिलाय मत कीजिए। DPP आएगी आपको मिल जाएगी, तो DPP का भी कीजिए, ठीक है और PPT आपको अटैच में मिल जाएगी साथ में। ओके साइनिंग ऑफ आर्ची, जय हिंद।